वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास पिछली क्लास में बात हो रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उप सह संयोजक यौगिकों की। जिसने पिछली दोनों क्लासेज नहीं देखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन वीडियो को देख सकता है, ठीक है, या फिर आपको वीडियो के एंड में भी वो क्लासेज मिल जाएगी। हमारे पास कल की क्लास में बात चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित जो जो टर्म्स है उनकी बात चल रही थी, ठीक है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं लिगेंड की। किसकी बच्चों? लिगेंड की। देखो, ध्यान देना, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी यूनिट है। पूरी यूनिट में लिगेंड्स की बात होगी और केंद्रीय धातु आयन की बात होगी, तो इसके बारे में गौर से सुनना। ये तो पता ही होगा आपको लिगेंड क्या है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो, हमारे पास ऐसे समूह होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु को सेंट्रल मेटल एटम। इससे हमारे पास क्या जुड़े हुए होते हैं? कुछ समूह जुड़े हुए होते हैं, कुछ अणु जुड़े हुए होते हैं, कुछ अणु जुड़े हुए होते हैं। इन अणुओं को ही हम क्या कह रहे हैं? लिगेंड कह रहे हैं, ठीक है। इनको ये वर्गाकार कोष्टक में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़े हुए अणु लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, लिगेंडों की बात हो रही है तो हम आगे बात करते हैं। देखो, लिगेंड जब बात आती है तो लिगेंड में न तो कोई धनायन है, न कोई ऋणायन है, न उदासीन है, मतलब यानी कि ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लिगेंड जो है वो धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कैसा भी हो सकता है लिगेंड, क्लियर है। अब देखो, ये धनायन, ऋणायन और उदासीन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब लिगेंडों को कितने भागों में बांटा गया है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। लिगेंडों को कितने भागों में बांटा गया है उसकी हम बात करते हैं। तो जो पहला है वो है एक दंतुक लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। अब आप कहेंगे ये एक दंतुक लिगेंड क्या है, या मोनोडेंटेट लिगेंड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई अणु है तो उस अणु में केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने वाला केवल एक एटम है, जैसे NH3 केवल एक एटम है, तो वो हमारे पास क्या हुआ? एक दंतुक लिगेंड हो गया। ये हमारे पास किस में आता है? उदासीन में आ गया। एक दंतुक क्या हो गया? लिगेंड हो गया। अगर ऋणायन की बात आती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है? Cl- OH-, ठीक है। तो एक दंतुक का मतलब क्या हो गया? कोई अणु है, उस अणु में एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देने की क्षमता रख रहा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक दंतुक लिगेंड उदासीन, ऋणायन, धनायन कैसे भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। धनायन में जैसे हमारे पास आ गया NH4+ आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये उदासीन, ऋणायन, धनायन कैसे भी हो सकते हैं। और बात आती है एक दंतुक लिगेंड की, तो एक दंतुक लिगेंड में किसी अणु में एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है।
अब बात आती है हमारे पास बाईडेंटेट लिगेंड, दी दंतुक लिगेंड। अब ये दी दंतुक लिगेंड क्या है? ठीक है, कोई हमारे पास अणु है, ठीक है, मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूं आपको। जैसे हमारे पास है CH2NH2, ठीक है, कोई अणु है हमारे पास, उसमें दो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जब भी बॉन्डिंग बनेगी तो दो परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेंगे। कौन कौन से? देखो, दो नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, दो आ गए हमारे पास, क्या आ गए? नाइट्रोजन आ गए, ठीक है, दो नाइट्रोजन आ गए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, इसको हम EN से भी लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन। क्या? एथिलीन डाइएमीन, आपको दिख रहा है ना, मैं इसलिए साइड में सट गया। इसी तरीके से ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो CO-COO-, ठीक है, तो यहां पे भी दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे पास क्या ऋणावेशित है, दो परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है, ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं द्विदंतुक लिगेंड बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? द्विदंतुक लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है CH2NH2C OO-, ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइसिनेटो। यहाँ पे भी दो परमाणु दे सकते हैं, एक तो ये नाइट्रोजन है, एक ये ऑक्सीजन है, ये दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं और कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बना सकते हैं, दो है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब बात आती है एक और कौन सा? तीसरा, बहुदंतुक लिगेंड, यानी कि जिसमें दो से ज्यादा लिगेंड पाए जा रहे हों, जिसमें दो से ज्यादा ऐसे परमाणु हों जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखे, है ना। अगर हमारे पास तीन हो तो उसको हम बोलते हैं त्रिदंतुक। मैंने एक साथ ही लिख दिया सबों को, तीन हो तो हम बोलते हैं त्रिदंतुक, चार हो तो हम बोलते हैं चतुर्दंतुक, पांच है तो पंचदंतुक, छह है तो षटदंतुक, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे त्रिदंतुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं, EDTA, एग्जाम्पल EDTA, एथिलीन डाइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, या एथिलीन डाइएमीन ट्राई, EDTA, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं। बहुदंतुक लिगेंड की बात हो रही है, बहुदंतुक जिसमें दो से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे देखो NH2 है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है CH2, इससे जुड़ा हुआ है CH2, फिर जुड़ा हुआ है CH2, फिर जुड़ा है NH, फिर जुड़ा है CH2, फिर जुड़ा है CH2 और फिर जुड़ा है NH, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन हमारे पास किसकी क्षमता रखते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन एमीन है, ट्राई एमीन है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिदंतुक लिगेंड, ठीक है। अगर हमारे पास
माइनस सी एच टू सी ओ माइनस सी एच टू सी ओ माइनस, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो ट्राई एसिड, क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेटो ट्राई एसिड, नाइट्रेटो ट्राई एसिटेट, ट्राई एसिटेट। यहाँ पे कौन कौन दे सकता है भैया, यहाँ पे ये नाइट्रोजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गए, चार परमाणु दे सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे चतुर्दंतुक, ठीक है। जहां पे पांच दे सके वहां पंचदंतुक, जहां पे छह दे सके वहां षटदंतुक, ठीक है। तो यहां पे इनको बहुदंतुक लिगेंड यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, लिगेंड हो गए, आप समझ गए हो गए, इतना उम्मीद करता हूं आपसे, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं। अब इसके बाद एक प्रकार के लिगेंड और होते हैं जिनको हम बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड, क्या बोलते हैं बच्चों, उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है। उभयदंतुक लिगेंड कैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दो परमाणु हो, जिनमें दो परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो हमारे पास द्विदंतुक में भी हो रहा था भैया, लेकिन यहाँ पे दो परमाणु होंगे, जैसे हमारे पास है NCS है ना, या SCN थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अणु जिनमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं लेकिन परिस्थिति के कारण एक ही दे पाता है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है और ये वाला एक, ये दोनों बात, इसमें सल्फर भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा, या तो सल्फर देगा या नाइट्रोजन देगा, या तो सल्फर देगा बच्चों या नाइट्रोजन देगा, ठीक है। तो इसमें सल्फर भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, कौन कौन से, सल्फर भी दाता परमाणु है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, लेकिन इनमें से किसी भी दाता परमाणु के द्वारा एक बार ही बनाया जाएगा, ठीक है। जब बंद बनाना होगा या तो सल्फर बनाएगा या फिर नाइट्रोजन बनाएगा, ठीक है, या तो सल्फर बनाएगा या नाइट्रोजन बनाएगा, किसके साथ, धातु के साथ, ठीक है, या तो नाइट्रोजन बनाएगा या सल्फर बनाएगा, जो बॉन्ड बनाएगा वो आगे की तरफ लिखा होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उभयदंतुक लिगेंड हो गया, एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये आज की क्लास में हमारे पास किसकी बात हुई, लिगेंड की बात हुई। इसके लिए भी अलग क्लास चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि लिगेंड के ऊपर ही पूरी बात टिकी हुई है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बात और, आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट है क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबकी केमिस्ट्री क्लासेज है ना, जिसका भला हो सके उसको बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी स्कूल नहीं लग रही है, कॉलेज नहीं लग रही है, तो मैं सारी की सारी क्लासेज अवेलेबल करवा रहा हूँ, 11th 12th बीएससी सब, ठीक है। तो किसी को भी आप शेयर कर सकते हो केमिस्ट्री की क्लासेज के लिए, ठीक है बेटा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।